हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, आज मैं नए तरह की मिठाई शाही शक्कर पारा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही शक्कर पारा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा का डो बनाना होगा, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा, 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 कटोरी पानी लिया है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें मैदा डालेंगे। फिर इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप ऑयल के जगह पर घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसे मसल कर मिलाएंगे। मोयन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जब हम मैदा को बाइंड करेंगे तो मैदा अच्छे से इस तरह से बाइंड हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट बना है ये। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को गूंथेंगे। मैदा को एकदम सख्त बनाना है, बिल्कुल पूरी के आटे की तरह, और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। ऐसा करने से मैदा अच्छे से गूंथ जाता है। एक साथ पानी डालेंगे तो मैदा गीला हो जाएगा। अब आप देखें, मैदा बहुत अच्छी तरह से गूंथ गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट ढक कर रख देंगे। जब तक मैदा सेट हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया है। एक पैन में शक्कर और पानी डालकर हाई फ्लेम पर उबालेंगे। जब चाशनी में उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम लो करके थोड़ी देर और पकाएंगे। फ्लेवरिंग के लिए इलायची को क्रश करके डालेंगे। चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, इसलिए मैंने 1/4 नींबू का रस मिलाया है। इससे चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चाशनी लगभग पक चुकी है। इसे चेक करने के लिए एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा चाशनी लेंगे और चाशनी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब उंगली से इस तरह से चिपका के देखेंगे। आप देख रहे हैं, इसमें 1 तार की चाशनी बन गई है। इसमें 1 तार निकल रहा है, इसे चिपका रहे हैं तो, यानी हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। गैस को ऑफ करके चाशनी को एक साइड रख देंगे। अब हमारा डो तैयार हो गया है। एक बार और इसे मसल कर गूंथ लेंगे, जिससे ये थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसका एक बराबर डो बनाएंगे और बराबर भागों में काट लेंगे। फिर एक डो को लेकर पतला बेलेंगे। जैसा पूरी बनाते हैं उतना ही पतला होना चाहिए। अब चारों तरफ से इसे बराबर रेक्टेंगल में काट लेंगे। फिर चाकू या कटर की सहायता से बीच में काटेंगे और ध्यान रहे कि ऊपर और नीचे की पट्टियां नहीं कटनी चाहिए, ये जुड़ी ही रहे, और सावधानी से इन्हें काटते जाएंगे।
जब इस तरह से पट्टियां कट जाए तो इनको सावधानी से एक तरफ उठाएंगे और दूसरी साइड थोड़ा सा पानी लगाकर पट्टी को आगे से उठाकर दूसरे साइड में चिपका देंगे। फिर से पानी लेकर चारों तरफ पानी लगाएंगे और फिर से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं सब अच्छे से चिपक चुकी है। फिर इस तरह से हम इनको एक तरफ से फोल्ड करेंगे और बीच में से जो पट्टियाँ कट गई है उनको आधा करके इस तरह से इनके बीच में से निकालेंगे एक सिरे को और सिरा को थोड़ा दबाकर पॉइंट करेंगे। दूसरे सिरे को हाथ में लेकर अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, इसके सिरे को भी दबाकर पॉइंट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और सुंदर लीफ का डिज़ाइन बन गया है। मैंने बाकी बचे डो से भी इसी तरह का डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें बनाए हुए लीफ डालकर फ्राई करेंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये एक साइड से पक चुके हैं तो इन्हें पलटकर दूसरी साइड से पका लेंगे। अब ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तेल से निकालने के तुरंत बाद ही हम इसे चाशनी में डालेंगे। फिर इन्हें चाशनी में थोड़ा देर डीप करके रखेंगे और दोनों साइड से पलट लेंगे ताकि चाशनी इसमें अच्छे से घुस पाए। हमें इन्हें चाशनी में थोड़ा देर ही डीप करके रखना, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इन सब में चाशनी अच्छे से घुस गया है तो अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। सो लीजिए गाइस, हमारा शाही शक्कर पारा तैयार है। इन्हें और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इनके ऊपर क्रश किए हुए काजू से गार्निश किया है। गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत और स्वादिष्ट मिठाई है, आप भी इसे ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये कितने टेम्प्टिंग एंड माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। आप इसे 10 से 12 दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं, इसका स्वाद आप महीनों तक नहीं भूलेंगे। सो गाइस, आप भी होली पर इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और गाइस, इस साल आपने होली पर क्या बनाया मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करने मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली।